हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और यह स्पेशल सर्दियों में ही बनाई जाती है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके मक्के की रोटी एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मक्के की रोटी आपकी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मूली को ग्रेट करेंगे। अगर हम 3 से 4 लोगों के लिए मक्की की रोटी बना रहे हैं तो हम एक मूली को ग्रेट करेंगे। अगर हम 2 लोगों के लिए मक्की की रोटी बना रहे हैं तो हम आधी मूली को ही ग्रेट करेंगे। ये मैंने मक्की के आटे को छान लिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गुनगुने पानी से हम इसका आटा लगाएंगे। पानी को गैस पर गुनगुना कर लें। गुनगुने पानी से ही हम आटा लगाएंगे। आटा हमारा ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। हमने नॉर्मल आटा लगाकर तैयार करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मक्की की रोटी बना रहे हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी बहुत ही बढ़िया मक्की की रोटी को बना पाएंगे। आटे को गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख दें। अब हम 2 रोटी के लिए लगभग आटा निकाल लेंगे और जो हमने गुनगुना पानी किया था उसी पानी के हाथ से हम थोड़ा सा इसे मस लेंगे। हाथ के इस पोर्शन से दबाव देते हुए हम इसे मस लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से मसल लें। इससे मक्की की रोटी हमारी बिल्कुल भी नहीं फटती, बहुत ही गोल और स्मूथ बनती हैं। अब हम पेड़े बना लेंगे। जिस आटे को हमने स्मूथ किया है उसी आटे से हमने पेड़े बनाने हैं। फिर से हम थोड़े से आटे को लेकर स्मूथ करेंगे और उसके पेड़े बनाएंगे। अब हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए हम बेलन का यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सब्जी वाली पॉलीथीन ले ली है जिसमें हम नॉर्मल सब्जियां लाते हैं। इस पॉलीथीन के बीच में हम पेड़े को रखेंगे। पॉलीथीन के बीच में पेड़े को रख दें। और हाथ से प्रेशर देते हुए हम थैली को बस घुमाते जाएंगे। हमारी रोटी बिल्कुल ही गोल बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आपकी मक्की की रोटी टूट जाती है तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार मक्की की रोटी को ज़रूर बनाएं। आपकी मक्की की रोटी भी बहुत ही पतली पतली, गोल गोल और बिना टूटी हुई बनेंगी। तवे को गरम होने के लिए रख देंगे। जैसे ही तवा हमारा अच्छा गरम हो जाए हम इस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम पॉलीथीन में से मक्की की रोटी को निकाल लेंगे और तवे पर डालेंगे। ये देखिए, रोटी को हमने कैसे निकालना है वीडियो में आप अच्छे से देख लें। पहले हम थैली को खोल लेंगे, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से यह निकल भी जाती है। इसके बाद हम इसे तवे पर डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे। आप मक्की की रोटी के साथ साग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने साग नहीं बनाया है इस तरह से आप मूली, हरी मिर्च और धनिया डालकर मक्की की रोटी को एक बार ज़रूर बनाएं। आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। ये ऐसे ही चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। दोनों साइड से क्रिस्पी होने पर हम इस पर देसी घी लगाएंगे। देसी घी में मक्की की रोटी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वह लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइस कलर, कितनी बढ़िया मक्की की रोटी सीख कर हमारी रेडी है।
दूसरी रोटी को डालने से पहले भी हमें तवे पर हल्का सा पहले घी लगाना है, इसके बाद हमें दूसरी रोटी को डालना है। और जितनी बार हम रोटी बनाएंगे, पहले आटे को थोड़ा सा पानी लगाकर हथेली की सहायता से स्मूथ करेंगे, इसके बाद हम पेड़े बनाएंगे और फिर रोटी बनाएंगे। मक्की की रोटी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।